जितने आर्टिस्ट हैं सब बहुत अच्छे हैं, और शुरू में तो पता नहीं चला था अच्छे हैं जब सब आते हैं सब अपनी अपनी उसमें होते हैं, लेकिन अभी इतनी अच्छी फाउंडेशन हो गई आपस में सबकी, और आज खुशी तो है ही 700 एपिसोड की, पर थोड़ा सा मन उदास भी है क्योंकि हमारी चाहत का 2 महीने के लिए जाना, 2 महीने के लिए जाना, उसका ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो छोड़ के जा रही है, क्या कर रही है, बड़ी अजीब सी एक फीलिंग है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि मेरे से जिन भी बच्चों ने बात करी है सबका यही कहना है कि दादी मन उदास हो रहा है, वो जा रही है, मन उदास हो रहा है। मैं कहा हाँ बेटा मन तो उदास हो रहा है। किसी ने मुझे पूछा आपको तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा क्योंकि आप फर्स्ट डे से उसके साथ हैं, तो वाकई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जान सी जा रही है, क्योंकि उस बच्ची की तो मैं जितनी तारीफ करूं, मेरे को 28 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए, मैंने ऐसी मेल लीड आज तक नहीं देखी। मतलब खुदा उसको इतनी बरकतों से माला माल करे, और मैं सच बोल रही हूँ कि वो जो नए अपने सफ़र पर निकल रही है, मतलब हो ही नहीं सकता कि उसको कामयाबी ना मिले, क्योंकि उसका जो पैशन है अपने हर काम को लेके इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ है तो यहाँ के उसमें पैशन में रहेगी, अब राजनीति में जा रही है, और हम सबकी दुआएं हैं कि वो बकायदा जीते, और वो जीतेगी क्योंकि उसकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग है। तो हम सबकी मतलब यही है कि चाहत खूब तरक्की करे, पर ये भी है कि वो जैसा कि हमें पता है बीच बीच में आती रहेगी, तो आती रहे क्योंकि शो की जान तो चाहती है, बाकी तो पता नहीं। बाकी नाम बनाम करूँगी तो पूरी रात हो जाएगी। हर डिपार्टमेंट मतलब ऐसा है, चाहे वो अपने उछड़ दादा हैं या कोई, मुझे तो सबने बहुत प्यार और इज्जत दी है। मतलब मेरे को कभी भी अगर इम्तियाज नहीं है तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे कुर्सी ना ऑफर करे और मुझे प्यार ना करे, दादी 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 क्या नहीं होता, मेरी चप्पलें भी उठा लेंगे, मेरी कुर्सी भी, मतलब उनको लगेगा उनको कोई प्रॉब्लम। तो ये शायद मुझे 28 साल में हर जगह ऐसा हो, लेकिन जो इस शो में मुझे सबने इज्जत दी है वो शायद कहीं नहीं दी। तो सबको मेरी तरफ से थैंक्स, बहुत बहुत प्यार, और मुझे कोई वो नहीं होती कि मेरे को कोई जानते हैं। ये जरूर है कि मैं जिस शो से भी अलग होती हूँ हमेशा उन लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ। लोगों को पिछले शोज वालों को लगता था नहीं, पर वो आज बोलते हैं, तो आप लोगों को भी सबको लगेगा कि जब मतलब इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होगा, मतलब बहुत लंबा जाएगा, पर जब भी जो जो एक दूसरे से अलग हुए तो ये याद रखेंगे कि दादी हमेशा सबके साथ जुड़ी होती है। अगेन सबका थैंक्स, लव यू, क्योंकि इस परिवार से बड़ा परिवार हमारे अपने घरों का नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ कि हम सारा दिन इधर जीते हैं, सिर्फ रात को सोने जाते हैं, तो इससे बड़ा परिवार किसी का भी कहीं नहीं हो सकता। एंड थैंक यू सो मच, कल से फिर एक 701 एपिसोड की शुरुआत है। प्रतिमा जी ने इतना सब कुछ कह दिया है, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर यस ये शो से मैं बस अभी मई महीने से मैं ज्वाइन हुई हूँ, पर इसके पहले मैंने इसी प्रोडक्शन का तेरा मेरा साथ किया, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं नए शो में आई हूँ, नया प्रोडक्शन है, नए लोग हैं, सारे बहुत ही कोऑपरेटिव। जी हाँ, थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं आ रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों की बातें सुन के मेरा दिल भर आया, क्योंकि आप लोग इतने साल से एक साथ जुड़े हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सके मैं अपना काम करूँ और आप सबसे अच्छे से, मतलब यू बेटर, यू नो मी, आई नो हर, आप सबके आशीर्वाद, एंड आप सबके आशीर्वाद और प्यार से मैं ये न्यू जर्नी शुरू करना चाहूंगी। हमारी दादी आई ना, आई दादी आई, आइए जानकी जी, अलीशा कम कम, इशिता हमारे फैमिली की न्यू मेंबर, और संजना जी, वन्ना जी, सब लोग आ जाइए प्लीज, जितने भी हैं, जीत हीरो सुल्तान जी, आप सभी लोग बहुत प्यारे, बहुत क्यूट लग रहे हैं।